हाय गाइस वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर डीएनएस सर्वर इन विंडोज सर्वर 2019 एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हम समझेंगे डीएनएस में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के जोन्स क्रिएट होते हैं जिसमें डीएनएस डेटाबेस और डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड स्टोर होते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने समझे थे डी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख लें सो so दैट आप स्टेप बाय स्टेप डीएनएस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएं और उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं इस वीडियो में हम एक स्टैंड अलोन विंडोज़ सर्वर 2019 मशीन में डी सर्वर का रोल इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डी सर्वर का सेटअप सो रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए अब प्रैक्टिकली इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर करते हैं डी सर्वर का रोल जिसके लिए हम चलते हैं अपनी सर्वर मशीन पे सो so, ये है हमारी विंडोज़ सर्वर मशीन जो अभी वर्क ग्रुप में है और इस सिस्टम में डी सर्वर का रोल इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर करने के लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम को एक मैनुअल आई एड्रेस असाइन करेंगे सो इथरनेट ऑप्शन में क्लिक ऑन आई एड्रेस असाइन बाई डी ऑप्शन राइट क्लिक ऑन ईथरनेट प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड क्लिक ऑन यूज़ द फॉलोइंग आई एड्रेस अब सपोज हम इसे आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.101 एंड हमारा डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1 प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में हम इसी सिस्टम का आईपी एड्रेस देंगे बिकॉज इसी सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं एज अ डीएनएस सर्वर सो डी एन एस सर्वर विल बी वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन जीरो वन ऑल्टरनेट डी एन एस सर्वर को अभी रखते हैं हम ब्लैंक सो क्लिक ऑन ओके क्लोज एंड क्लोज दिस नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेस सो इस सिस्टम को अब एक मैनुअल आई पी एड्रेस असाइन हो गया है सो so, अब हम इसमें डी एन एस सर्वर का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं सो डी एन एस सर्वर रोल इंस्टॉल करने के लिए गो टू मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स बिफोर यू बिगिन विजर्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट इंस्टॉलेशन टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन क्लिक ऑन नेक्स्ट सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम सर्वर पूल अभी हमारा यहाँ पे एक ही सर्वर है सर्वर टू जिसमें हम डी का रोल इंस्टॉल कर रहे हैं और जो बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है सो क्लिक ऑन नेक्स्ट सेलेक्ट सर्वर रोल्स में सेलेक्ट डी सर्वर क्लिक ऑन एड फीचर्स देन क्लिक ऑन नेक्स्ट सेलेक्ट फीचर्स विच आर्ड में वी विल गो विद डिफॉल्ट सो क्लिक ऑन नेक्स्ट सी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डी एन एस का डिस्क्रिप्शन डोमेन नेम सिस्टम और डी एन एस प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर एसोसिएटिंग नेम्स विद न्यूमेरिक इंटरनेट एड्रेसेज दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर यूजर्स टू रेफर टू नेटवर्क कंप्यूटर्स बाई यूजिंग ईजी टू रिमेम्बर नेम्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ नंबर्स क्योंकि डी एन एस की हेल्प से हम इन नंबर्स मीन्स आई पी एड्रेसेज को यूज़र फ्रेंडली नेम्स के साथ मैप कर देते हैं डी एन एस सर्वर डिस्क्रिप्शन विजर्ड में क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल सो अब डी एन एस सर्वर रोल का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन सर्वर टू सो क्लिक ऑन क्लोज तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस सिस्टम में डी एन एस सर्वर का रोल इंस्टॉल हो गया है सो so, अब हम करेंगे डी एन एस सर्वर का कॉन्फिग्रेशन सो कॉन्फिगर करने के लिए गो टू टूल्स एंड क्लिक ऑन डी एन एस डी एन एस मैनेजर में एक्सपेंड दिस ऑप्शन और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन फॉरवर्ड लुकअप जोन में डोमेन नेम और होस्ट नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी एड्रेस की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एंड रिवर्स लुकअप जोन में आई पी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स नेमिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मीन्स नेम टू आई पी एड्रेस मैपिंग स्टोर होती है फॉरवर्ड लुकअप जोन में एंड आई पी एड्रेस टू नेम मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है रिवर्स लुकअप जोन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम तो इस नेम के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए डी एन एस क्वेरी सेंड होगी फॉरवर्ड लुकअप जोन पे और इनकेस अगर हम वेब ब्राउजर में गूगल डॉट कॉम का आई पी एड्रेस एंटर करके एक्सेस करते हैं तो इस आई पी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेमिंग इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए डी एन एस क्वेरी सेंड होगी रिवर्स लुकअप जोन पे सो so, अब हम यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएट करते हैं सो राइट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड सेलेक्ट न्यू जोन वेलकम विजर्ट में क्लिक ऑन नेक्स्ट जोन टाइप में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं प्राइमरी जोन सेकेंडरी जोन एंड स्टप जोन प्राइमरी जोन डी एन एस डेटाबेस की मास्टर कॉपी होती है जिसमें हम डी रिसोर्स रिकॉर्ड्स क्रिएट मॉडिफाई और अपडेट करते हैं और अगर बात करें सेकेंडरी जोन की तो सेकेंडरी जोन प्राइमरी जोन की एक रीड ओनली कॉपी होती है जो यूज़ होती है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए और जिस डीएनएस सर्वर में हम प्राइमरी जोन क्रिएट करते हैं उसमें हम सेकेंडरी जोन क्रिएट नहीं कर सकते हैं सेकेंडरी जोन क्रिएट होगा दूसरे सर्वर पे सी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेकेंडरी जोन क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अ जोन दैट एग्जिस्ट ऑन अनदर सर्वर दिस ऑप्शन हेल्प बैलेंस द प्रोसेसिंग लोड ऑफ प्राइमरी सर्वर एंड प्रोवाइड फॉल्ट ऑलरेंस स्टप जोन स्टप जोन मल्टीपल डोमेन नेम स्पेस के केस में यूज होता है और स्टप जोन में अदर डोमेन नेम स्पेस के नेम सर्वर और अथॉरटेटिव सर्वर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और मिलता है स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्ट्री अभी हम यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे हम एक स्टैंड अलोन विंडोज सर्वर मशीन पे डी सर्वर कॉन्फिगर कर रहे हैं ये ऑप्शन यूज़ होता है जब हम डोमेन कंट्रोलर में ही डी सर्वर का रोल भी इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर करते हैं बिकॉज़ उस सिचुएशन में हमारे डी एन जोन्स कहलाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन्स जिसको प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सो so यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्राइमरी जोन सो क्लिक ऑन नेक्स्ट जोन नेम यहाँ पे हम दे देते हैं अपना डोमेन नेम सपोज एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम देन क्लिक ऑन नेक्स्ट जोन फाइल क्रिएट अ न्यू फाइल विद दिस नेम और यूज दिस एग्जिस्टिंग फाइल तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक नई जोन फाइल जो कि क्रिएट होगी एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम डॉट डी एन एस नेम से सो क्लिक ऑन नेक्स्ट डायनामिक अपडेट्स अलाउ ओनली सिक्योर डायनामिक अपडेट्स जो कि एप्लीकेबल होता है एक्टिव डायरेक्टरी के केस में अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर dynamic अपडेट्स एंड do नॉट अलाउ dynamic अपडेट्स यहाँ पे हम रख रहे हैं do नॉट अलाउ dynamic अपडेट्स बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि डी एन एस रिसोर्स रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट हों और इनकेस कोई चेंजेज होते हैं तो उन रिकॉर्ड्स को हम मैनअली अपडेट करें सो so, इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं do नॉट अलाउ dynamic अपडेट्स सो क्लिक ऑन नेक्स्ट Completion wizard में यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जोन की समरी लाइक नेम एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम टाइप स्टैंडर्ड प्राइमरी लुकअप टाइप फॉरवर्ड बिकॉज ये हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन है फाइल नेम इज़ एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम डॉट डी एन एस सो क्लिक ऑन फिनेस सो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम क्रिएट हो गया है जिसमें हम होस्ट नेम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी एड्रेस के मैपिंग की इन्फॉर्मेशन क्रिएट एंड स्टोर करेंगे सो होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया और यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू होस्ट और होस्ट रिकॉर्ड को ए रिकॉर्ड भी कहा जाता है अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ए और फोर टाइम ए ए रिकॉर्ड्स यूज़ होते हैं आईपी वर्जन फोर एड्रेसेस के लिए एंड फ़ोर टाइम ए रिकॉर्ड्स यूज़ होते हैं आईपी वर्जन सिक्स एड्रेसेस के लिए सो क्लिक ऑन न्यू होस्ट सो नेम में सपोज मैं दे देता हूँ डब्ल्यू तो एफ़ कीू डी एन ऑटोमेटिकली हो गया है डब्ल्यू 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 डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम डॉट आईपी एड्रेस में हम इस एफ क्यू के कोरेस्पोंडेंस आईपी एड्रेस देंगे अब सपोज यहाँ पे हम इसी सर्वर का आईपी एड्रेस देते हैं जो कि है वन नाइन टू डॉट डॉट वन डॉट वन जीरो पे हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं रिवर्स लुकअप जोन में जिसमें आईपी एड्रेस के कोरेस्पोंडेंस नेम की मैपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है अभी हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंटर रिकॉर्ड मैनुअली हम कैसे क्रिएट करेंगे सो क्लिक ऑन एड होस्ट द होस्ट रिकॉर्ड वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड क्लिक ऑन ओके एंड डन सो यहीं से अगर हम इसे एक बार वेरीफाई करना चाहें तो राइट क्लिक ऑन सर्वर नेम जो कि यहाँ पे है सर्वर टू एंड सेलेक्ट लॉन्च एन एस लुकअप एंड टाइप डब्ल्यू 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 डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड एंटर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम डब्ल्यू 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 डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी रिजॉल्व हुआ है वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन जीरो वन अब एक बार इसको आई पी एड्रेस से रिजॉल्व करके देखते हैं सो टाइप वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन जीरो वन एंड एंटर सी यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वर अननोन एंड डी एन एस रिक्वेस्ट टाइम आउट अब यहाँ पे नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आई एड्रेस रिजॉल्व हो रहा है लेकिन आई एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा है इसका रीज़न है कि हमारे फॉरवर्ड लुकअप जोन में रिसोर्स रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं जबकि रिवर्स लुकअप जोन में अभी हमने कोई भी रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं किए हैं सो so, एक बार हम पहले पी रिकॉर्ड्स भी क्रिएट कर लेते हैं सो राइट क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जोन एंड सेलेक्ट न्यू जोन वेलकम विजर्ट में क्लिक ऑन नेक्स्ट जोन टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी जोन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है आई पी वी फोर रिवर्स लुकअप जोन और आई पी वी सिक्स रिवर्स लुकअप जोन अभी हम आई पी वी फोर के लिए क्रिएट कर रहे हैं सो क्लिक ऑन नेक्स्ट रिवर्स लुकअप जोन में हम देंगे अपने नेटवर्क की नेटवर्क आई डी विच इज़ वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन सो रिवर्स लुकअप फाइल जोन का नेम हो जाएगा वन डॉट वन सिक्स एट डॉट वन नाइन टू डॉट आई एन ए डी डी आर डॉट ए आर पी ए सो क्लिक ऑन नेक्स्ट जोन फाइल क्रिएट अ न्यू फाइल और यूज एग्जिस्टिंग सो यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे सो क्लिक ऑन नेक्स्ट यहाँ पर भी हम रखते हैं डू नॉट अलाउ डामिक अपडेट्स सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश सो ये हमारा रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो गया है अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पॉइंटर रिकॉर्ड्स सो राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया एंड सिलेक्ट न्यू पॉइंटर विच इज़ पी टी आर रिकॉर्ड्स होस्ट आई पी एड्रेस जिसमें ऑलरेडी हमारा नेटवर्क आई डी शो करता है सो होस्ट एड्रेस है हमारा वन जीरो वन होस्ट नेम में क्लिक ऑन ब्राउज सेलेक्ट सर्वर टू क्लिक ऑन ओके डबल क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड डबल क्लिक ऑन एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड सेलेक्ट डब्ल्यू 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 क्लिक ऑन ओके सो होस्ट नेम में आ गया है हमारा डब्ल्यू 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 डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम सो क्लिक ऑन ओके सो so, यहाँ पे हमारा पॉइंटर रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है सो so, एक बार हम इसे फिर से वेरीफाई कर लेते हैं सो राइट क्लिक ऑन सर्वर टू एंड सेलेक्ट लॉन्च एन एस लुकअप नाउ टाइप डब्ल्यू 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 डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड एंटर सो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेम और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी एड्रेस सो अब एक बार हम आई पी एड्रेस से रिजॉल्व करके देखते हैं सो टाइप वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन जीरो वन एंड प्रेस एंटर सी तो यहां पे अब हम देख सकते हैं आई पी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम भी रिजॉल्व हो गया है सो so, एक बार इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी वेरीफाई कर लेते हैं सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट टाइप एनएस लुकअप स्पेस डब्ल्यू 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 डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड एंटर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आई पी एड्रेस रिजॉल्व हो गया है सो so, एक बार हम आई एड्रेस से भी नेम रिज़ोल्व करके देख लेते हैं सो टाइप एन एस लुकअप स्पेस वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन जीरो वन एंड एंटर सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी एड्रेस और आई पी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम सक्सेसफुली रिजोल्व हो रहे हैं अब चाहे हैं तो यहाँ पे हम कर सकते हैं पिंग स्पेस डब्ल्यू 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 डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड एंटर तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं www.hpitinfotech.com को पिंग करने पे रिस्पॉन्स मिल रहा है 192.168.1.101 सिस्टम से अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक सिनेरियो और लेता हूँ ये हमारी एक विंडोज़ टेन मशीन है जिसका आई एड्रेस है वन अब सपोज़ ये हमारा एक मेल सर्वर है और इस आईपी एड्रेस को हम मैप करना चाहते हैं मेल डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम के साथ सो so दैट हम आई पी एड्रेस का यूज़ ना करके मेल डॉट एच पी आई टी इन्फोटे डॉट कॉम नेम से इस सिस्टम को एक्सेस कर लें तो उसके लिए हम डी एन एस सर्वर में इनके रिसोर्स रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे सो so अब हम चलते हैं अपने डी एन एस सर्वर पर अब हम डी एन एस सर्वर में मेल सर्वर के लिए होस्ट रिकॉर्ड एंड पी टी आर रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे सो होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंडर सेलेक्ट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया एंड सेलेक्ट न्यू होस्ट नेम में हम देंगे मेल तो यहाँ पे एफ की डी एन आ गया है मेल डॉट एच पी आई टी डॉट कॉम डॉट एंड आई पी एड्रेस में हम देंगे उस सिस्टम का आई पी एड्रेस विच इज़ वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन वन ज़ीरो अब हम यहीं से इसके लिए पॉइंटर रिकॉर्ड भी क्रिएट कर देते हैं सो चेक ऑन क्रिएट पॉइंटर रिकॉर्ड एंड क्लिक ऑन एड होस्ट द होस्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड सो क्लिक ऑन ओके एंड डन सो यहाँ पर हम देख सकते हैं होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है सो so, एक बार रिवर्स लुकअप जोन में भी वेरीफाई कर लेते हैं सो so, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके लिए हमारा पॉइंटर रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया है सो so, एक बार इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं सो टाइप एन एस लुकअप इस्पेस मेल डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड एंटर सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम के कॉरेस्पॉन्डेंस आई पी एड्रेस रिजॉल्व हो गया है सो so, एक बार हम आई पी एड्रेस से भी रिजॉल्व करके देख लेते हैं सो एन एस लुकअप स्पेस वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन वन जीरो एंड एंटर और आई पी एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम भी सक्सेसफुली रिजॉल्व हो रहा है सो so, एक बार हम पिंग कमांड से भी वेरीफाई कर लेते हैं सो टाइप पिंग स्पेस मेल डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम एंड एंटर सी तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मेल डॉट एच पी आई टी इन्फोटेक डॉट कॉम को पिंग करने में रिस्पॉन्स मिल रहा है वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन वन जीरो से इट मीन्स डी एन एस सर्वर हमारा सक्सेसफुली कॉन्फिगर हो गया है आई होप काइज आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस सर्वर का सेटअप सो कीप वाचिंग हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू